आजाद सिख राज खालिस्तान लिए सिखा वालों शांतिपूर्ण ढंग नाल मांग करदे हैं। पूरी दुनिया विच रेफरेंडम करवाए जा रहे हैं। बीते कल अमेरिका के सूबे कैलीफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को विखे भारत तो आज़ाद सिख राज खालिस्तान की प्राप्ति लिए रेफरेंडम करवाया गया। इस मौके अमेरिका च वसदे सिखा वालों वड्डी गिनती विच खालिस्तान लिए वोटां पाईआं गईआं। सिख जथेबंदी सिख फॉर जस्टिस वालों यह रेफरेंडम करवाए जा रहे हैं। दस दिए कि अमेरिका विच खालिस्तान लिए पहली बार वोटिंग हुई है। इस तो पहला भी कई होर देशों जिमें कि कैनेडा ते इंग्लैंड विच वोटां पै चुकीआं हन। जिक्र योग है कि सिख फॉर जस्टिस जथेबंदी नूं भारत ने अतवादी जथेबंदी ऐलानिया होया है, जबकि सिख फॉर जस्टिस वालों शांतिपूर्ण ढंग नाल खालिस्तान रेफरेंडम करवाए जा रहे हैं। तो विदेशी सरकारां भी सिखां दी बोलन दी आज़ादी दे हक दी रक्षा करदियां हन। तुहानूं दस दईए कि बीते समय सिख फॉर जस्टिस दे कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू नूं मारन दी साजिश भी भारत वालों रची गई सी, जिसका अमेरिका ने पर्दाफाश किया। इस मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता नूं हिरासत में लै लिया गया। मामले की जाँच हजे भी जारी है। जिमें गुरबाणी का फरमान है, कैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। तुसी इस धरातल से खलो के महसूस कर सकते हो कि हर पंथ दर्दी के अंदर दिल के अंदर किवें खुशी के शादियाने वज रहे ने। बाहर नगारा वज रहा है, अंदर खुशी के शादियाने ने, क्योंकि अमरीका के सिखा ने जो कि पहला रेफरेंडम अमरीका की धरती से हो रहा है और ऑलरेडी ये रेफरेंडम कामयाबी दे नाल यूके यूरोप कैनेडा च होया और भारतीय हकूमत ने जिमें मर्डर किया हरदीप सिंह निजर का, जिस अंदाज च गुरपतवंत सिंह पन्नू मर्डर प्लॉट अमरीका ने एक्सपोज किया इन्हां दी एजेंसियां ने। सो ये एक बहुत वारियां दा इस किस्म का ख्याल सी कि शायद जो भारत सरकार खौफ देना चाहती है शायद सिख खौफ ज़्यादा होंगे, पर अज हज़ारा सिंघां सिंघणियां का इकट्ठ अजे असी देख रहे हैं कि 9 बजे ने, लेकिन ऑलरेडी मीलों तक लंबिया लाइन लगिया हुई ने, चार चफेरे पार्किंग नहीं मिल रही और बहुत सारिया थावान तो बसा बहुत वड्डी गिनती च रवाना हुई ने। और मैं लगता भी अमरीका की धरती से ये पिछले सारे रिकॉर्ड न तोड़ेगा और ये रिजॉल्व है। और मैं जिमें कल भी कहा सी, सिविक सेंटर वो थां है जिथे 10 दसंबर 1948 50 मुल्कां दे नुमाइंदियां ने चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया सी साइन करके, जिदे च राइट ऑफ सैल्फ डिटरमीनेशन बेसिक हक है। और अज इस धरती दे उत्ते 35 मिलियन सिख कौम अपना राइट ऑफ सैल्फ डिटरमीनेशन दे हक नूं एसर्ट कर रही है और बहुत जल्दी जिवें ही ये गल अगे वधेगी यूनाइटेड नेशनज इस गल लई मजबूर होएगा कि वह इसका नोटिस लें। और असी होप करते हैं कि नैक्सट रेफरेंडम आने वाले पीरियड यूएन स्पॉन्सर्ड होएगा, पर अज 35 मिलियन सिख कौम का रिजॉल्व सैन फ्रांसिस्को की धरती के उत्ते बड़ा क्लीयरली देखा जा सकता है। चार चाफे फिजा दे विच खालिस्तान जिंदाबाद है। बहुत बहुत मुबारक समुचे खालसा पंथ जी। सो डॉक्टर साहब, बड़ी बरीकी दे नाल तुसी सारी गलबात दसी है। मैं एक गल इत्थे जरूर पुछनी चाहूँगा, असी इत्थे तकरीबन साडी टीम सवेरे 6:30 बजे दे इत्थे आ के सैटअप करन लगी हुई है और कैमरामैन ने सारे पासे साडे दिखाया भी है कि इत्थे संगत आई है जिन्होंने अपनी वोट का उपयोग करना। इत्थे किसी कोई शस्त्र नहीं है, किसी ने कोई भड़काऊ नारा नहीं लाया, सिर्फ अपनी आज़ादी की गल सारे पासे हो रही है। उहदे बावजूद भी इस सारी मुहिम नूं जिहड़ा वो टैररिस्ट गतिविधि के अंडरगत लिआउण की कोशिश जिहड़ी आ वह भारत सरकार वल्लों की जा रही है, की महसूस हो रहा तुहानूं अज दी इह जिहड़ी सारी गैदरिंग आ खालसा पंथ दा इकट्ठ आ उहनूं देख के? की ये लोग इत्थे कोई वायलेंट ने? नहीं, देखो सानू डिफेंसिव स्टेटमेंट्स नहीं देनियां चाहीदियां। जिहड़ा एक दा फ्रीडम फाइटर हुंदा है दूसरे दे लई उह दहशतगर्द हुंदा है। अमरीका जिन्हां ने लिबरेट कराया, ब्रिटिश कॉलोनी तो आज़ाद मुल्क बनाया, जॉर्ज वाशिंगटन, टॉमस जैफरसन और गैरी एडम, ये सारे लोग जिहड़े ने एक स्टेज दे उत्ते ब्रिटिश वल्लों दहशतगर्द ऐलाने हुए सी। सो कोई इस गल दी परवाह करन दी लोड़ नहीं है। रादर इस दे उल्ट जिहड़ा भारतीय हकूमत दा प्रोपेगेंडा सी कि मुट्ठी भर लोग खालिस्तान चाहुंदे ने, अज हज़ारां लोग इस धरती दे उत्ते आज़ादाना आए ने। कोई ये नगर कीर्तन नहीं है, अगे तो हुंदे सी जी नगर कीर्तन लोग इकट्ठे हुंदे ने ते खालिस्तानी अपने नारे लवा लैंदे ने। जो इत्थे आया है खालिस्तान नाल कमिटमेंट लई आया है और ये बड़ा क्लीयर मैसेज है इंडियन सिस्टम जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। और असी फिर भी जिवें जिवें दिन अगे बढ़ रहे, जिवें जिवें गतिविधियां होर तेज़ हो रही ने, फिर आप जी दे नाल दोबारा गलबात करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।